हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत, और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि और आज से लगातार 9 दिन तक की नवरात्रि है, तो जय माता दी। बाकी अभी ना सुबह सुबह यहाँ धूप नहीं लगी है, क्योंकि आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह सुबह जल्दी कर रही हूँ। तो अभी सुबह सुबह ना मम्मी और भैया की तैयारी हो चुकी है बहुत दूर जाने की, तो भैया बताएगा कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बड़ी माँ से मिलने के लिए मुरादाबाद। थोड़ा उनकी तबीयत भी खराब है, तो हमने सोचा वहाँ पूछ भी लेंगे और घूम भी लेंगे वहीं। और मुरादाबाद इतनी दूर है कि आज ना जाएंगे सुबह सुबह, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, और शाम को ही वहाँ पहुँचेंगे, फिर कल रहेंगे, मतलब पूरे 3 दिन लग जाएंगे, और मेरे को 3 दिन तक अकेला रहना पड़ेगा घर पे। सभी लोगों को जय माता दी। आज से नवरात्र शुरू है, हम इतने मैंने साक्षी में व्रत रखा है, हमने तो व्रत पूज लिया साक्षी, पर मैं अभी नहाई भी नहीं, क्योंकि मैं अभी तक काम पे लगी हुई थी। मम्मी भैया को जल्दी जल्दी जाना है, तो इनके कपड़े वपड़े रखना था, तो अभी ठीक है मम्मी, आराम से जाना, बाय बाय। आधे रास्ते तक के तो भैया मम्मी को तिलवाड़ा तक ले जाएगा, वहाँ पे बाइक खड़ी करके आगे बस में जाएंगे। बाय, ठीक से जाना और जल्दी आना, 3 दिन जल्दी कहाँ से होना। पर सुबह सुबह ना आज मैं 4 बजे उठ गई थी, और मैंने ना मंदिर में घसाई ली पाई की, बाकी माता जी के कपड़े भी धो दिए हैं, अभी इनको धूप में डालते हैं सुखाने के लिए। सुबह सुबह 5 बजे मैंने मंदिर की पूरी घसाई लिपाई कर दी थी अच्छे से। सुबह सुबह मम्मी को इतनी जल्दी जाना पड़ा कि मम्मी और उन्हें अपने बिस्तर भी तय नहीं किए, तो अभी इनको भी फटाफट से तय मारते हैं। गाइस, अभी ना सुबह के 7:30 भी हो चुके हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि व्रत के दिन मैं इतनी लेट नहा रही हूँ, मतलब अभी भी नहीं नहाना, अभी मेरे को यहाँ की घसाई लिपाई करनी है नीचे की, ऊपर की तो मैंने सुबह सुबह कर दी थी, उसके बाद ही नहाऊंगी। और जब मैं घर पे रहती थी ना, तो ऐसा होता था कि हाँ दोनों मिल बांट के काम कर लेते, तो जल्दी जल्दी हो जाता था, और अभी तक तो हम कब के 6 बजे भी नहा लेते थे, और अभी देखो इतना ज़्यादा लेट हो गया, यहाँ की घसाई लिपाई करनी है, उसके बाद नहाना है, उसके बाद पूजा करनी है, और उसके बाद घास के लिए जाना है। तो ऐसे ही बने रहिए वीडियो में, अभी करते हैं यहाँ पे घसाई लिपाई। मैंने इस पतीले पे मिट्टी भिगोने के लिए रखी थी, जो कि अच्छे से भीग गई है। अब करते हैं फटाफट से घसाई लिपाई शुरू, क्योंकि लेट हो गया बहुत ज्यादा, अभी बहुत ज्यादा काम करना है मुझे, घर का सारा अकेले ही करना है, क्या करूँ। गाइस, अभी छोटा मोटा घर का सारा काम कर लिया है, जितना भी था नहीं, अभी गौशाला का काम भी है बहुत सारा बाकी। उससे पहले मैं मिलती हूँ, थोड़ा इस हालत को ठीक कर लेती हूँ, मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। तो गाइस, अभी मैं नहा के भी आ चुकी हूँ, बाकी अभी चलते हैं पूजा करने के लिए। और आज ना मेरे को हरियाली भी जमानी है, आज से लोग हरियाली जमाते हैं, मतलब जो जमाना है फिर वो हरियाली बनती है, जो कि हम लास्ट 9वें दिन में हरियाली निकालते हैं। तो अभी चलते हैं, अभी मैं आ चुकी हूँ अपने पास वाले खेत में आम के पत्ते निकालने के लिए। आम के पत्ते भी कलश में रखने के लिए चाहिए होते हैं, आम के पत्ते या तो हमें 5 तोड़ने हैं, या 7 तोड़ने हैं, या 9 तोड़ने हैं, तो मैं यहाँ से निकालती हूँ अच्छे अच्छे पत्ते। तो अभी ना मैं अच्छी जगह से मिट्टी भी ले आई हूँ एक सुप्पे पे, हम ना हरियाली हमेशा कांच की थाली पे ही जमाते हैं, तो अभी इस पे रखते हैं हरियाली। मैं आपको बताती हूँ कि हम हरियाली कैसे जमाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं मिट्टी लाई थी, ये मिट्टी हमें अच्छी और साफ जगह से लाना है, तो अभी मिट्टी को रखेंगे हम पहले इस कांच की थाली में। आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा मिट्टी भी नहीं लाना है, आपको कम कम मिट्टी ही लानी है। पूरी थाली पे मिट्टी अच्छे से फैला दी है, बाकी अभी जो ये जौ है ना, इनको ढालते हैं मिट्टी के ऊपर। ये जो भी ना मैंने सुबह उठ के भिगोने के लिए रख दिए थे, और जो थोड़ा सी मिट्टी हमने बचाई थी ना, इस मिट्टी को जो के ऊपर डाल देंगे। अभी देखो अच्छे से मैंने हरियाली भी जमा ली है। तो अभी ना मैंने इस थाली पे हरियाली भी रख ली है जमने के लिए, तो जय माता दी, माता जी की कृपा रहेगी तो उतनी हमारी हरियाली होगी। बिना मैंने एक कलश में पानी भर के भी उसमें 7 आम के पत्ते और ऊपर से नारियल भी रख दिया है, कि हम तो पानी भरते हैं हमेशा, और लोग कलश में क्या रखते हैं कमेंट में जरूर बताना। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गौशाला में। सुनैना को तो मम्मी ने अंदर बांध दिया था, क्योंकि मेरी बस की नहीं है उसको अंदर बांधना, मेरे को मारने आती है। तो अभी ना मेरे को ना सोनिया को पानी पिलाना है, नहलाना है, और सुनैना को अंदर ही पानी पिलाऊंगी।
जाने से बहुत ज्यादा डर लगता है, पर क्या करें। जमीना घर का और सारा काम कर लिया है। बाकी हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पानी नहीं आता। महीने में एक बार आएगा, एक दो दिन आएगा, उसके बाद आता ही नहीं है। अगर लगातार थोड़ा थोड़ा आता तो ठीक रहता। बाकी अभी जा रही हूँ मैं पड़ोस की भाभी औरों के यहाँ पानी लेने के लिए। जब हमारे यहाँ आ ही नहीं रहा है तो लोगों के यहाँ ही जाना पड़ेगा, वरना यहाँ से सीधे 1 किलोमीटर दूर कटाई धारे पे जाना पड़ेगा। फिर मैं आ रखी हूँ ताई जी के यहाँ पे पानी के लिए, और ताई जी भी लगी यहाँ पे कपड़े धोने पे। तो हैप्पी नवरात्रि ताई जी। तो आजकल ना ताई जी के यहाँ पे मकान बन रही है, तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे गृह प्रवेश होने वाला है। पर अभी बहुत काम रह रखा है, अभी बिजली फिटिंग और पेंट होना है, दरवाजे लगना है, मतलब बहुत ज्यादा काम है। अभी यहाँ पे भर रही हूँ मैं पानी, क्योंकि हमारे यहाँ तो आता नहीं है कभी। मैं पानी का ड्राम लेके सीधे अपने गौशाला में पहुँच गई। बाकी मेरे को लगा यहाँ से पास होगा, पास तो है, पर ऊपर आने के लिए बहुत ज्यादा चढ़ाई है, तो मेरी बस की नहीं है। और इस ड्रम को मैंने डालना है इसमें, और इसमें अभी बिल्कुल भी पानी नहीं है यहाँ देखो। और इसको देखते हैं मैं कितना भर पाती हूँ आज। तो अभी ना पास वाले धारे पे चलते हैं पानी के लिए। वहाँ पे भीड़ तो बहुत ज्यादा लगी है, पर थोड़ा पास है, मतलब मेरे को इतना घूम के आना पड़ रहा है यहाँ से ऊपर घर पे, फिर घर से उधर से सीधे गौशाला। तो अभी मैं उधर के ही धारे पे जाती हूँ। बिना एक ड्रम पानी का मैं उधर से लाई थी ताई औरों के यहाँ से, बाकी एक ड्रम यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पे इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं लोगों के, पर उतने ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे। पानी लेके गौशाला में भी पहुँच चुकी हूँ, इसको भी अंडर ड्रम में ही डालना है। बाकी अभी मैं 4-5 ड्रम पानी के लाऊंगी, मैंने सोच रखा है। तो अभी देखते हैं कितने ला पाती हूँ मैं। वो पानी ला रही हूँ मैं अपने प्यारे प्यारे गाय भैंस सौम्या और सुनैना के लिए। मैं 5 ड्रम पानी के लिए आई हूँ। बाकी अभी थोड़ा गाय भैंस के पास डालते हैं घास। ले सुनैना जी, ले अपनी जिंदगी, ये गुस्सा नहीं। और ये वाला हमारी सौम्या के लिए। देखो यहाँ पे ना धीरे धीरे करके धारे पे थोड़ा थोड़ा करके ना भीड़ लगना स्टार्ट हो गया। ये अपनी शक्ल नहीं दिखा रही, मुंह नहीं तो रहा कर ना पर। तो अभी ना चाची लवली ये सब घास लेके आ गए हैं ना, तो अभी धारे पे बहुत ज्यादा भीड़ होने लग गई, और इतने सारे ड्राम भी हैं। मेरा तो ये लास्ट होगा आपका। तो अभी ना 5-6 ड्राम पानी लाने के बाद ये होगा मेरा लास्ट ड्राम, क्योंकि मेरे को भी ना आज फास्ट है मेरा, तो हालत खराब हो गई। और हमारा अगर फास्ट हो कुछ भी हो काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा फास्ट है तो गाय भैंसों का थोड़ी ना होगा। ये वाला पानी का ड्राम ले जाऊंगी मैं घर पे पीने के लिए। फ्री हो चुकी है शाम, बाकी मेरी तैयारी भी हो गई है घास के लिए जाने के लिए, क्योंकि अभी ना पूरा मौसम गड़बड़ हो गया। मैंने सोचा था थोड़ी देर बाद जाऊंगी, पर अभी ऐसे लग रहा है मौसम को देख के जैसे बारिश आने वाली है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से घास ले आते हैं, वरना पूरी भीग जाऊंगी मैं बारिश में। बस जब तक कि मैं घास निकालूं बारिश ना आए तब तक के। अभी मैं भी पहुंच चुकी हूं अपने खेत में घास के लिए। बाकी ना मेरे को घास ये वाला काटना है, जो ये पीछे शहतूत दिख रहा है ना, तो मेरे को शहतूत की टहनियाँ काटनी है, क्योंकि ना जब भैंस से दूध निकालते हैं तो उस टाइम के लिए ना उसको हरा हरा अच्छा अच्छा घास चाहिए होता है, तभी वो जल्दी जल्दी दूध देता है। और आज तो मम्मी भी घर नहीं है, तो चाची जी आएंगी भैंस से दूध निकालने के लिए। ना मैंने इस पेड़ की टहनियाँ काट ली हैं और इतना निकाल लिया, ट्राईपॉड लाई नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं दिखा पाई। तो अभी चलते हैं सोल्टे के उठाते हैं और चलते हैं घर को। कल से मुझे लग रहा है कि मेरे दिन बुरे चल रहे हैं आजकल, क्योंकि कल से ना मेरा फ़ोन इतनी बार गिर गया नीचे, इतनी बार गिर गया, क्या बताऊँ। आज तक वैसे कभी मेरे हाथ से फोन गिरता ही नहीं है, ना ही कहीं छूटता है, कल से बहुत बार गिर गया। और अभी अभी खबर आई कि सुमित का फ़ोन भी टूट गया, मेरे को फोटो भेज रहा है कि मेरा फ़ोन टूट गया। बस भैंस के पास दूध निकालने का टाइम हो चुका है और चाची जी भी आ चुकी है, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि वो जैसे मुझे मारने आता है ना, वैसे चाची जी को भी मारने आ रहा है दूर से। तो पता नहीं अब क्या होगा, चाची जी निकाल पाएंगी दूध या मैं, देखते हैं। तो गाइस अभी मैंने पूजा भी कर लिया है, बाकी अभी हो चुकी है रात। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।